हाय देयर, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। तो अगर आपकी बजट 20,000 रुपये है और आपको 20,000 प्राइस में एक गेमिंग फोन चाहिए या आपको एक डेली यूजेज के लिए फोन चाहिए हो, तो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेकर आया हूँ। ये फोन डिस्प्ले में, कैमरा में, डिजाइन में, परफॉर्मेंस में, चारों डिपार्टमेंट में बेस्ट है। और आपको ये कैसे मिलेगा 20,000 में, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वैसे आज की वीडियो को जो स्पॉन्सर किया है वो शफी मोबाइल शॉप वाले हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपको न्यू या यूज फोन चाहिए हो, तो आप शफी मोबाइल शॉप से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या रहा है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन है मेरे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में वो पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इस फोन का नाम बताता हूं। वैसे इसका नाम है Infinix Hot 11s। अब देखें इसकी रिटेल प्राइस, मुझे पता है आपको भी पता है 23,500 है, लेकिन Spark की एक वेबसाइट है उस पे आपको ये 19,000 में बॉक्स पैक फोन देखने को मिल रहा है। ये इसकी प्राइस जो है, वैसे Spark पे सेल चल रही है, ये तकरीबन एक हफ्ता या दो या तीन दिन चलेगी। अगर आप ये वीडियो उससे सेल के बाद देख रहे हो तो शायद आपको ये थोड़ा ऊपर देखने को मिले। अगर आप इसको यूज में खरीदने जाओगे इस सेल के बाद, तो ये भी आपको 2100 में ही मिलेगा। इस प्राइस कैटेगरी में इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, 6.78 इंच का एक IPS डिस्प्ले इस फोन पे आपको मिलता है। अब देखें IPS डिस्प्ले तो है, यहाँ पे आपको एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही तगड़ी मुझे लग रही है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कितनी स्मूथनेस इसकी अच्छी है, मुझे तो यार स्मूथनेस इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है 90 हर्ट्ज के साथ, और ये डिस्प्ले और भी अच्छा हो रहा है। इस डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 निट्स दिए गए हैं। इंडोर विजिबिलिटी तो मैंने चेक की है, बहुत ही अच्छी है। आउटडोर विजिबिलिटी भी अगर आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो वो भी आपको एवरेज अच्छी देखने को मिलेगी, आउटडोर विजिबिलिटी। इंडोर विजिबिलिटी तो बहुत ही अच्छी है। आगे इस फोन की बात करते हैं तो FHD प्लस के रेजोल्यूशन है। तो अगर मैं आपको इसके डिजाइन के बारे में बताऊं तो नो डाउट डिजाइन इसकी बहुत ही तगड़ी रखी गई है। बैक पे आपको एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया, लग रहे तो चार कैमरा है लेकिन ये ड्यूअल कैमरा सेटअप है। यहाँ पे आपको एक बड़ा जो इसका मेन सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल तक दिया गया है। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पे आपको एक राउंडेड रेक्टेंगल एक शेप दिया गया है, और यहाँ ठीक नीचे ही आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। और फिंगरप्रिंट की बात करते तो यहाँ पे आपको पीछे से ही एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते तो फ्रंट इसका ग्लास में है और बैक इसका आपको प्लास्टिक में दिया गया है। अगर मैं आपको इसके पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो नीचे आपको USB टाइप सी दी गई है, नॉइस कैंसिलेशन और 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, सिंगल स्पीकर हैं, ड्यूअल स्पीकर्स नहीं है इस फोन पे, आपको नहीं मिलते। इस प्राइस कैटेगरी में ड्यूअल स्पीकर मुश्किल होता है, सिंगल स्पीकर्स भी चल जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। मैंने वैसे इसको यूज भी किया है इसके स्पीकर्स, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक USB टाइप सी देखने को मिल रही है। अमूमन जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं वो आपको इस प्राइस में टाइप सी नहीं देते, वो आपको माइक्रो USB दे देते, तो ये Infinix की अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको इस प्राइस में आपको USB टाइप्स प्रोवाइड की गई है। स्टोरेज की बात करते हैं, वैसे जो मेरे पास जो वेरिएंट है वो 4GB 128GB वाला है, और इस पे आपको जो स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है वो eMMC 5.1 देखने को मिलती है। तो अगर इसके कैमरास की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इसका मेन सेंसर ही 50 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा फीचर्स में आपको एक शॉर्ट वीडियो AI कैम, ब्यूटी पोर्ट्रेट भी इस फोन पे आपको देखने को मिलते हैं, और सुपर नाइट मोड जैसे फीचर्स भी इस फोन पे आपको दिए गए। इतना अच्छा काम तो नहीं करेगा सुपर नाइट वीडियो, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में आपको नाइट मोड मिलता है तो ये एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको इसके कुछ क्वालिटी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, मैं इसके भी पिक्चर्स भी निकाल रहा हूं, तो बहुत ही अच्छी इस प्राइस कैटेगरी में बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है इसका कैमरा। आपको इससे बेहतर इस प्राइस कैटेगरी में कैमरा किसी और फोन में नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी कैमरा है। सेल्फी कैमरा भी इसकी ठीक ठाक ही है, आप कह सकते हैं इस प्राइस कैटेगरी में बिल्कुल भी जस्टिफाई करती है इसकी सेल्फी कैमरा। तो इस प्राइस कैटेगरी में अगर आप इसको कैमरा के लिए खरीदते हैं या डिस्प्ले के लिए खरीदते हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फोन एक गेमिंग फोन है, तो इस पर आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट दिया गया है। PUBG ग्राफिक्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी PUBG ग्राफिक्स इस सेटिंग पे चलता है। जायरो भी इस फोन पे आपको दिया गया है, और जो परफॉर्मेंस है बहुत डिसेंट रहने वाली है। अगर आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि 90 हर्ट्ज और अच्छा डिस्प्ले और G88 चिपसेट के साथ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि G88 जो प्रोसेसर है ये एक बजट कैटेगरीज के लिए बनाया गया है,
क्योंकि वो एक गेमिंग प्रोसेसर और वो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। तो इस प्राइस कैटेगरी में गेमिंग के लिए आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेड कर सकते हो। डिस्प्ले इसका अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिजाइन अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो इस प्राइस कैटेगरी में आपको कोई और ऐसा ब्रांड्स आपको ऐसे स्पेक्स और ऐसे क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस पे आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। तो ये था बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपके लिए लेकर आया था इस वीडियो में, इन्फिनिक्स नो हॉट 11S। तो आपको कैसे लगा ये फोन तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मेरे लिहाज से इससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई और नहीं है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, Xpark की वेबसाइट पे आपको ये मिलेगा। अभी तो इसकी सेल चल रही है, 19,000 में मिल रही है, लेकिन अगर आप ये वीडियो सेल के बाद देख रहे हो तो शायद आपको थोड़ी ऊपर मिले। अगर आप इसको यूज में खरीदने जाओगे तो आपको अंडर 20,000 ये आराम से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।